अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा खान और आप सबको हेल्थ फीड पर वेलकम कहती हूं। व्यूवर्स, आजकल आंखों की खूबसूरती के लिए खवातीन मस्नूई पलकों का इस्तेमाल करती हैं। वो इसलिए कि उनकी पलकें लंबी और घनी नहीं होती। पलकों को लंबा और घना करने के लिए आज की इस रेमेडी को लाजमी देखिएगा। ये रेमेडी आपकी पलकों को लंबा, घना और शानदार बना देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे चैनल हेल्थ फीड को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक छोटा सा आपने बर्तन ले लेना है, कोई सा भी, कोई बाउल ले लेना है या कुछ और, ठीक है। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपने हद पे जरूर डालना है। यहाँ पे मैं जितना कैस्टर ऑयल यूज कर रही हूँ इतना काफी है, क्योंकि ये हमने आईलैशेस पे इस्तेमाल करना है तो इसके लिए हमें इतनी ही क्वांटिटी में चाहिए है। ये मैंने कैस्टर ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस ऑयल में एक लीमू का टुकड़ा डाल देना है और इसके बाद आपने इसको ऊपर कुछ रख के ढांप कर आपने इसको रख देना है एक हफ्ते के लिए सायादार जगह पे। याद रहे कि आपने इसको किसी सायादार जगह पर रखना है और आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर नहीं रखना। इसका ये फायदा है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में पलकों को लंबा और मजबूत बनाता है ताकि ये टूटे नहीं। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के पलकों को शानदार बनाता है। इसके साथ ये ऑयल दाढ़ी और मूंछों को भी घना करने के लिए बहुत मुफीद है। एक हफ्ते के बाद आपको जो ऑयल हासिल होगा वो ऑयल आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। रात को सोने से पहले आपने पलकों पर और अपनी आईलेट पर मसाज करना है और रात भर के लिए आपने छोड़ देना है। अब मैं आपके साथ रेमेडी नंबर 2 शेयर करने जा रही हूँ, तो जिसके लिए आपको चाहिए है ग्रीन टी पैक। जो टी पैक्स होते हैं वो आप इस्तेमाल करने के बाद आप फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप उनको ना फेंकें तो वो आपकी आंखों के लिए और आपकी आईलैशेस के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। जो ग्रीन टी पैक है ये इस्तेमाल के बाद आंखों पर रखने से आंखें रोशन और चमकदार होती हैं और लंबी और घनी भी होती हैं आपकी आईलैशेस, ठीक है। इसके साथ साथ डार्क सर्कल्स के लिए भी ये बहुत मुफीद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पलकें लंबी, घनी और मजबूत हों तो इन आसान सी रेमेडीज को लाजमी फॉलो कीजिए, लेकिन इसके साथ 1 से 2 महीने के लिए आप आईलैशेस, कर्लर और मस्नूई पलकों से दूर रहिए। ये 2 रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं जिनके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बिल्कुल भी इनके साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी हैं। तो इनको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। आप रेगुलर इन रेमेडीज को इस्तेमाल कीजिएगा, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़।